ना इसी के जस्ट बगल में एक और बीच है, उसका नाम है न्यूड बीच। मैं आपको दिखाने वाला हूँ गोवा का न्यूड बीच। सो गाइज वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वागाटोर बीच और यहाँ पे मेरी काफ़ी सारी यादें भी जुड़ी हुई है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गोवा आया था ना तो यहीं पे ही रुका था वागाटोर बीच के ऊपर, और सबसे पहले मैंने यहीं पे ही जो वागाटोर बीच है ना उसको मैंने देखा था। और मैं पहली बार समुद्र को देख के ना सी को देख के बहुत हैरान हुआ था कि यार मतलब जहाँ तक देख रहे हो, दूर दूर तक देख रहे हो, वहाँ पे पानी ही पानी। सो बहुत अमेजिंग सी फीलिंग थी। सो वो वाली फीलिंग को अब दोबारा जगाते हैं, एक बार फिर चलते हैं वागाटोर बीच की साइड पे। ये वाला रास्ता वागाटोर की तरफ जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से। सो चलो गाइज मिलते हैं आपसे वागाटोर बीच के ऊपर। सो गाइज़ ये वागाटोर बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं हम। ये मार्केट है वागाटोर की और जो बीच है बिल्कुल सामने ही है, यहाँ से 1 या 2 मिनट का डिस्टेंस बचा है। सो गाइज दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ वागाटोर बीच। हमने वहाँ पे पार्किंग करी अपनी और पार्किंग के चार्जेस 50 रुपीज़ पर बाइक लेते हैं। एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू वागाटोर बीच। एंड वागाटोर बीच जो है ना दैट इज़ वेरी क्लीन एंड नीट एंड बहुत ही सफिस्टिकेटेड सा क्राउड आता है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा आप क्राउड नहीं देखेंगे। ये सामने बहुत सारे शैक्स हैं जो कि अभी ओपन हो चुके हैं अक्टूबर के मंथ के अंदर। काफ़ी लोग इंजॉय करके अपने घर वापस जा रहे हैं होटल के साइड पे। एंड यू कैन सी देखो कितना अच्छा यहाँ पे लगता है देखने के अंदर। एंड सामने आप देख सकते हैं इवनिंग का व्यू कितना ब्यूटीफुल है। एंड आई वुड रेकमेंड कि आप जब भी वागाटोर बीच आए ना तो इवनिंग के टाइम पे आना, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आप ले सकते हैं। कुछ एक स्पॉट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे और यहाँ पे जो रॉक की जो फॉर्मेशन है ना वो बहुत ब्यूटीफुल और डिफरेंट है फ्रॉम अदर बीचेस गाइस। एंड यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स ऑल्सो। सो गाइस यहाँ पे ये तो है आपका वागाटोर बीच पूरा का पूरा, और ये थोड़ा फेमस बीच भी है। सो वहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना दिस इज़ वन स्पॉट, वहाँ से फ़ोटोज़ अच्छी होती है, अच्छी क्लिक होती है वहाँ से फ़ोटोज़। सो वहीं पे जाने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम। अभी शैक्स भी यहाँ पे ओपन होने स्टार्ट हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है, कुछ कुछ शैक्स ओपन है। उस स्पॉट पे जाने का रास्ता ना यहाँ वाली साइड से है गाइस, तो थोड़ा सा यहाँ से ट्रैक करना पड़ेगा अपने को। विथ साइड चलो चलो आप चलो। चलो गाइस थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता ही है, पत्थर वत्थर के ऊपर से होके जाना पड़ेगा, बट ठीक है रास्ता। ये और यहाँ पे कुछ लोग सेल्फी लेते हुए सी के साथ। चलते हैं देखते हैं वहाँ की साइड पे जाके कैसा रखता है। और गाइज ये जो वागाटोर बीच है ना इसी के जस्ट बगल में एक और बीच है, उसका नाम है न्यूड बीच, जिसे ओजरान बीच बोलते हैं। वैसे नाम उसका ओजरान है बट उसे न्यूड बीच बोलते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के थंबनेल में जैसा आपने देखा। सो मैं आपको दिखाने वाला हूँ गोवा का न्यूड बीच, वहीं की तरफ हम जा रहे हैं अब। सामने एक बहुत अच्छा सा स्पॉट है, आओ यहाँ पे मस्त बैठो अपने दोस्तों के साथ या वाइफ के साथ या जिसके भी साथ आप आ रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ। यहाँ ऊपर एक क्रॉस लगाया हुआ है, वहाँ पे ये फिशिंग कर रहा है कोई आदमी। सो अभी तो हम बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स दी न्यूड बीच विच इज़ ऑल्सो नोन एज ओजरान बीच। सो गाइज यहाँ पे एक अपडेट है एंड कि अगर आप सोच रहे हैं कि न्यूडिटी लाइक देर इज़ अ लाइक पीपल वुड बी वंडरिंग और घूम रहे होंगे यहाँ पे बीच पे न्यूड, सो ऐसा कुछ नहीं है। न्यूडिटी तो हर जगह ही है गोवा के अंदर। बस यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे कि जो फॉरेनर क्राउड है ना वो यहाँ पे सनबेथ करने के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स भी अंदर रहता है, और अधिकतर लोग जो है ना यहाँ मिनी वागाटोर के अंदर एंड ओजरान बीच के अंदर आते हैं क्योंकि आइसोलेटेड है। दैट्स इट गाइज। जो मैं न्यूड बीच की बता रहा था आपको ओजरान बीच, दैट इज़ दैट साइड ऑफ दी वागाटोर, उसे मिनी वागाटोर भी बोलते हैं।
दैट वन, वहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग जाते नहीं है नॉर्मली, और न्यूड बीच वहाँ को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे अधिकतर फॉरेनर्स जाना प्रेफर करते थे, अब तो इतना नहीं है बट पहले यहाँ पे अधिकतर फॉरेनर्स लोग जाते थे। सो आपको पता है फॉरेनर्स लोग दे आर ओके एंड दे आर कम्फर्टेबल के मतलब न्यूड रहना बीच पे, सो दैट इज़ वाई वो बहुत आइसोलेटेड था ये जगह उस टाइम पे। सो अब ये फेमस हो गया तो इंडियंस भी हम लोग बहुत आने लग गए हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ उस टाइम पे सिर्फ फॉरेनर्स होते थे यहाँ पे, बिल्कुल खाली रहता था, तो इसीलिए इसको न्यूड बीच कहा जाता था गाइस। सो दिस इज़ द स्पॉट, अभी जाने का रास्ता नहीं है यहाँ से, और वहाँ से हमको ऐसे करके यूँ घूम के जाना पड़ेगा, सो टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। सो एज ऑफ नाउ मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज़ द न्यूड बीच। अगर आपको आना है तो वागाटोर आना, वागाटोर पे आके आप किसी से ही पूछ लेना कि न्यूड बीच कहाँ पे है, या मिनी वागाटोर, सो इसे मिनी वागाटोर भी कहते हैं और न्यूड बीच भी कहते हैं गाइस। चलो मिलते हैं आपसे गाइस। सो गाइस यहाँ पे वो स्पॉट है जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे ऊपर आप जा सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइस मिलते हैं अनदर अच्छी वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड इन्जॉय योर लाइफ।